मध्य प्रदेश में होने वाली 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव को लेकर क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक की। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आज हम एक पेन ड्राइव जारी करने जा रहे हैं। इस पेन ड्राइव में किसान कर्ज माफी का पूरा डेटा है। हमने 26,50,000 किसानों का कर्ज माफ किया है। ये पेन ड्राइव भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। आगे कमलनाथ ने क्या कहा, हमने पिछले 4 महीनों में पूरा समय लगाकर अपने संगठन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता से कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने और हमारे 15 महीने का चित्र उनके सामने है। कमलनाथ ने कहा, कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, मगर सच्चाई का साथ दें। कमलनाथ ने कहा कि सौदे की राजनीति से चुनाव कितना कलंकित हुआ है, बनी हुई सरकार का सौदा किया गया। मैं पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। भोपाल से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट।